दोस्तों, अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइगर जिंदा है मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 22 दिसंबर 2017 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी टाइगर जिंदा है, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया था। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अली अब्बास जफर, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.9 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 64% तक फ्रेज बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन गूगल यूजर्स की, तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 76% तक लाइक किया है। तो दोस्तों, आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 41 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान है, कैटरीना कैफ, सज्जाद डेलफ्रोजी, परेश रावल, अंगद बेदी, गिरीश कर्नाड, कुमुद मिश्रा, नवाब साहा, अनुप्रिया गोयका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। सो दोस्तों, ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को कहां पर आप इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कहानी शुरू होती है 2017 में एक था टाइगर की घटनाओं के 8 साल बाद एक अमेरिकी पत्रकार की इराक में आतंकवादी संगठन है IAC द्वारा हत्या कर दी गई, जब वे CIA को अपनी हालिया गतिविधियों की रिपोर्ट करने का प्रयास कर रहा था। इकरीत में एक रैली के दौरान उनके नेता अबू उस्मान को इराकी सेना ने गोली मार दी और उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जो भारतीय और पाकिस्तानी नर्सों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी काम करता है। उस्मान ने सुरक्षा के लिए अपने चारों ओर IAC की उपस्थिति बढ़ाने का आदेश दिया, जिससे CIA को अस्पताल पर हवाई हमले की तैयारी करनी पड़ी। इसी दौरान एक भारतीय नर्स मारिया गुप्त रूप से इराक में भारतीय राजदूत को फोन देती है और उन्हें भारतीय और पाकिस्तानी नर्सों को बंधक बनाए जाने की जानकारी देती है। CIA ने रो प्रमुख सेनाए को बताया कि हवाई हमले का आदेश देने से पहले नर्सों को बचाने के लिए उनके पास 7 दिन है। अविनाश सिंह टाइगर राठौड़ और जोया हुमेमी राठौड़ अब शादीशुदा है और उनका एक बेटा जूनियर है जो इस बुक में छिपा हुआ रहता है। सेनाए और करण राव एक रो एजेंट बंधकों के बारे में टाइगर को और जोया का पता लगाते हैं और उन्हें सूचित करते हैं कि शुरुआती अनिच्छा के बावजूद जोया की जिद के बाद टाइगर मान जाता है। टाइगर रो एजेंटों की अपनी चुनिंदा टीम के साथ सीरिया जाता है। अनजान एक विशेषज्ञ स्नाइपर नमित एक बम निरोधक विशेषज्ञ और राकेश नामक एक हैकर वे इराक की यात्रा करते हैं और खुद को IAC के प्रति भारतीय सहानुभूति रखने वाले तोयबान और उस्मान के दो
दूसरे नंबर से कमांडर अमीर बगदावी द्वारा संचालित तेल रिफाइनरी के लिए अवैधी प्रयासी श्रमिक के रूप में पेश करते हैं। टाइगर आपूर्ति इकट्ठा करने के लिए किट में पवन नाम के अपने हेल्डलर से मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। मिलते हैं दोस्तों के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय। दोस्तों अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइगर जिंदा है मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 दिसंबर 2017 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी टाइगर जिंदा है, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया था। तो इस मूवी के डायरेक्टर दोस्तों अली अब्बास जफर, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.9 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 64% तक फ्रेज बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन गूगल यूजर्स की, तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 76% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 41 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान है, कैटरीना कैफ, सज्जाद डेलफ्रोजी, परेश रावल, अंगद बेदी, गिरीश कर्नाड, कुमुद मिश्रा, नवाब साहा, अनुप्रिया गोयका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। सो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को कहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है 2017 में एक था टाइगर की घटनाओं के 8 साल बाद एक अमेरिकी पत्रकार की इराक में आतंकवादी संगठन IAC द्वारा हत्या कर दी गई। जब वे CIA को अपनी हालिया गतिविधियों की रिपोर्ट करने का प्रयास कर रहा था, इकरित में एक रैली के दौरान उनके नेता अबू उस्मान को इराकी सेना ने गोली मार दी और उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जो भारतीय और पाकिस्तानी नर्सों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी काम करता है। उस्मान ने सुरक्षा के लिए अपने चारों ओर IAC की उपस्थिति बढ़ाने का आदेश दिया, जिससे CIA को अस्पताल पर हवाई हमले की तैयारी करनी पड़ी। इसी दौरान एक भारतीय नर्स मारिया गुप्त रूप से इराक में भारतीय राजदूत को फोन देती है और उन्हें भारतीय और पाकिस्तानी नर्सों को बंधक बनाए जाने की जानकारी देती है। CIA ने रो प्रमुख सेनाएं को बताया कि हवाई हमले का आदेश देने से पहले नर्सों को बचाने के लिए उनके पास 7 दिन हैं। अविनाश सिंह टाइगर राठौड़ और जोया हुमेमी राठौड़ अब शादीशुदा है और उनका एक बेटा जूनियर है जो इस बुक में छिपा हुआ रहता है। सेनाएं और करण राव एक रो एजेंट बंधकों के बारे में
टाइगर और जोया का पता लगाते हैं और उन्हें सूचित करते हैं कि शुरुआती अनिच्छा के बावजूद जोया की जिद के बाद टाइगर मान जाता है। टाइगर रो एजेंटों की अपनी चुनिंदा टीम के साथ सीरिया जाता है। अनजान एक विशेषज्ञ स्नाइपर, नमित एक बम निरोधक विशेषज्ञ और राकेश नामक एक हैकर, वे इराक की यात्रा करते हैं और खुद को आईएसी के प्रति भारतीय सहानुभूति रखने वाले तोयबान और उस्मान के दूसरे नंबर से कमांडर अमीर बगदावी द्वारा संचालित तेल रिफाइनरी के लिए अवैध प्रयासी श्रमिक के रूप में पेश करते हैं। टाइगर आपूर्ति इकट्ठा करने के लिए किट में पवन नाम के अपने हेल्डलर से मिलता है। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगली नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय। दोस्तों अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइगर जिंदा है मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 दिसंबर 2017 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी टाइगर जिंदा है, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया था। तो इस मूवी के डायरेक्टर दोस्तों अली अब्बास जफर, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 5.9 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 64% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन गूगल यूजर्स की, तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 76% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 41 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान, कैटरीना कैफ, सज्जाद डेलफ्रोज, परेश रावल, अंगद बेदी, गिरीश कर्नाड, कुमुद मिश्रा, नवाब साहा, अनुप्रिया गोयका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। सो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को कहां पर आप इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है 2017 में एक था टाइगर की घटनाओं के 8 साल बाद एक अमेरिकी पत्रकार की इराक में आतंकवादी संगठन आईएसआई द्वारा हत्या कर दी गई। जब वे सीआई को अपनी हालिया गतिविधियों की रिपोर्ट करने का प्रयास कर रहा था, इकरीत में एक रैली के दौरान उनके नेता अबू उस्मान को इराकी सेना ने गोली मार दी और उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जो भारतीय और पाकिस्तानी नर्सों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी काम करता है। उस्मान ने सुरक्षा के लिए अपने चारों ओर आईएसआई की उपस्थिति बढ़ाने का आदेश दिया, जिससे सीआई
को अस्पताल पर हवाई हमले की तैयारी करनी पड़ी। इसी दौरान एक भारतीय नर्स मारिया गुप्त रूप से इराक में भारतीय राजदूत को फोन देती है और उन्हें भारतीय और पाकिस्तानी नर्सों को बंधक बनाए जाने की जानकारी देती है। सीआईए ने रो प्रमुख सेनाए को बताया कि हवाई हमले का आदेश देने से पहले नर्सों को बचाने के लिए उनके पास 7 दिन है। अविनाश सिंह टाइगर राठौड़ और जोया हुमेमी राठौड़ अब शादीशुदा है और उनका एक बेटा जूनियर है जो इस बुक में छिपा हुआ रहता है। सेनाए और करण राव एक रो एजेंट बंधकों के बारे में टाइगर को और जोया का पता लगाते हैं और उन्हें सूचित करते हैं कि शुरुआती अनिच्छा के बावजूद जोया की जिद के बाद टाइगर मान जाता है। टाइगर रो एजेंटों की अपनी चुनिंदा टीम के साथ सीरिया जाता है। अनजान एक विशेषज्ञ स्नाइपर नमित एक बम निरोधक विशेषज्ञ और राकेश नामक एक हैकर वे इराक की यात्रा करते हैं और खुद को आईएसी के प्रति भारतीय सहानुभूति रखने वाले तोयबान और उस्मान के दूसरे नंबर से कमांडर अमीर बगदावी द्वारा संचालित तेल रिफाइनरी के लिए अवैध प्रयासी श्रमिक के रूप में पेश करते हैं। टाइगर आपूर्ति इकट्ठा करने के लिए किट में पवन नाम के अपने हेल्डलर से मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय। दोस्तों अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइगर जिंदा है मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 दिसंबर 2017 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी टाइगर जिंदा है, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया था। तो इस मूवी के डायरेक्टर दोस्तों अली अब्बास जफर, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 5.9 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 64% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन गूगल यूजर्स की, तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 76% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 41 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान, कैटरीना कैफ, सज्जाद डेलफ्रोज, परेश रावल, अंगद बेदी, गिरीश कर्नाड, कुमुद मिश्रा, नवाब साहा, अनुप्रिया गोयका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को कहां पर आप इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है 2017 में एक था टाइगर की घटनाओं के 8 साल बाद एक अमेरिकी पत्रकार की इराक में आतंकवादी संगठन
आईएससी द्वारा हत्या कर दी गई। जब वे सीआई को अपनी हालिया गतिविधियों की रिपोर्ट करने का प्रयास कर रहा था, इकरीत में एक रैली के दौरान उनके नेता अबू उस्मान को इराकी सेना ने गोली मार दी और उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जो भारतीय और पाकिस्तानी नर्सों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी काम करता है। उस्मान ने सुरक्षा के लिए अपने चारों ओर आईएससी की उपस्थिति बढ़ाने का आदेश दिया, जिससे सीआई को अस्पताल पर हवाई हमले की तैयारी करनी पड़ी। इसी दौरान एक भारतीय नर्स मारिया गुप्त रूप से इराक में भारतीय राजदूत को फोन देती है और उन्हें भारतीय और पाकिस्तानी नर्सों को बंधक बनाए जाने की जानकारी देती है। सीआई ने रो प्रमुख सेनाए को बताया कि हवाई हमले का आदेश देने से पहले नर्सों को बचाने के लिए उनके पास 7 दिन है। अविनाश सिंह टाइगर राठौड़ और जोया हुमेमी राठौड़ अब शादीशुदा है और उनका एक बेटा जूनियर है जो इस बुक में छिपा हुआ रहता है। सेनाए और करण राव एक रो एजेंट बंधकों के बारे में टाइगर को और जोया का पता लगाते हैं और उन्हें सूचित करते हैं कि शुरुआती अनिच्छा के बावजूद जोया की जिद के बाद टाइगर मान जाता है। टाइगर रो एजेंटों की अपनी चुनिंदा टीम के साथ सीरिया जाता है। अनजान एक विशेषज्ञ स्नाइपर नमित एक बम निरोधक विशेषज्ञ और राकेश नामक एक हैकर वे इराक की यात्रा करते हैं और खुद को आईएससी के प्रति भारतीय सहानुभूति रखने वाले तोयबान और उस्मान के दूसरे नंबर से कमांडर अमीर बगदावी द्वारा संचालित तेल रिफाइनरी के लिए अवैध प्रयासी श्रमिक के रूप में पेश करते हैं। टाइगर आपूर्ति इकट्ठा करने के लिए किट में पवन नाम के अपने हेल्डलर से मिलता है। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय। दोस्तों अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइगर जिंदा है मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 दिसंबर 2017 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी टाइगर जिंदा है, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया था। तो इस मूवी के डायरेक्टर दोस्तों अली अब्बास जफर, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 5.9 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 64% तक फ्रेज बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन गूगल यूजर्स की, तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 76% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 41 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान, कैटरीना कैफ, सज्जाद डेलफ्रोज, परेश रावल, अंगद बेदी, गिरीश कर्नाड, कुमुद मिश्रा, नवाब साहा, अनुप्रिया गोयका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। सो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को कहां पर आप एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है 2017 में एक था टाइगर की घटनाओं के 8 साल बाद एक अमेरिकी पत्रकार की इराक में आतंकवादी संगठन IAC द्वारा हत्या कर दी गई। जब वे CIA को अपनी हालिया गतिविधियों की रिपोर्ट करने का प्रयास कर रहा था, इकरीत में एक रैली के दौरान उनके नेता अबू उस्मान को इराकी सेना ने गोली मार दी और उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जो भारतीय और पाकिस्तानी नर्सों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी काम करता है। उस्मान ने सुरक्षा के लिए अपने चारों ओर IAC की उपस्थिति बढ़ाने का आदेश दिया, जिससे CIA को अस्पताल पर हवाई हमले की तैयारी करनी पड़ी। इसी दौरान एक भारतीय नर्स मारिया गुप्त रूप से इराक में भारतीय राजदूत को फोन देती है और उन्हें भारतीय और पाकिस्तानी नर्सों को बंधक बनाए जाने की जानकारी देती है। CIA ने रो प्रमुख सेनाए को बताया कि हवाई हमले का आदेश देने से पहले नर्सों को बचाने के लिए उनके पास 7 दिन है। अविनाश सिंह टाइगर राठौड़ और जोया हुमेमी राठौड़ अब शादीशुदा है और उनका एक बेटा जूनियर है जो इस बुक में छिपा हुआ रहता है। सेनाए और करण राव एक रो एजेंट बंधकों के बारे में टाइगर को और जोया का पता लगाते हैं और उन्हें सूचित करते हैं कि शुरुआती अनिच्छा के बावजूद जोया की जिद के बाद टाइगर मान जाता है। टाइगर रो एजेंटों की अपनी चुनिंदा टीम के साथ सीरिया जाता है। अनजान एक विशेषज्ञ स्नाइपर नमित एक बम निरोधक विशेषज्ञ और राकेश नामक एक हैकर वे इराक की यात्रा करते हैं और खुद को IAC के प्रति भारतीय सहानुभूति रखने वाले तोयबान और उस्मान के दूसरे नंबर से कमांडर अमीर बगदावी द्वारा संचालित तेल रिफाइनरी के लिए अवैधी प्रयासी श्रमिक के रूप में पेश करते हैं। टाइगर आपूर्ति इकट्ठा करने के लिए किट में पवन नाम के अपने हेल्डलर से मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएँ। मिलते हैं दोस्तों के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय। दोस्तों अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइगर जिंदा है मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 दिसंबर 2017 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी टाइगर जिंदा है, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया था। तो इस मूवी के डायरेक्टर दोस्तों अली अब्बास जफर, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 5.9 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 64% तक फ्रेज बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन गूगल यूजर्स की, तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 76% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 41 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान है, कैटरीना कैफ, सज्जाद डेलफ्रोजी, परेश रावल, अंगद बेदी, गिरीश कर्नाड, कुमुद मिश्रा, नवाब साहा, अनुप्रिया गोयका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। सो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को कहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है 2017 में एक था टाइगर की घटनाओं के 8 साल बाद एक अमेरिकी पत्रकार की इराक में आतंकवादी संगठन IAC द्वारा हत्या कर दी गई। जब वे CIA को अपनी हालिया गतिविधियों की रिपोर्ट करने का प्रयास कर रहा था, इकरित में एक रैली के दौरान उनके नेता अबू उस्मान को इराकी सेना ने गोली मार दी और उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जो भारतीय और पाकिस्तानी नर्सों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी काम करता है। उस्मान ने सुरक्षा के लिए अपने चारों ओर IAC की उपस्थिति बढ़ाने का आदेश दिया, जिससे CIA को अस्पताल पर हवाई हमले की तैयारी करनी पड़ी। इसी दौरान एक भारतीय नर्स मारिया गुप्त रूप से इराक में भारतीय राजदूत को फोन देती है और उन्हें भारतीय और पाकिस्तानी नर्सों को बंधक बनाए जाने की जानकारी देती है। CIA ने रो प्रमुख सेनाएं को बताया कि हवाई हमले का आदेश देने से पहले नर्सों को बचाने के लिए उनके पास 7 दिन है। अविनाश सिंह टाइगर राठौड़ और जोया हुमेमी राठौड़ अब शादीशुदा है और उनका एक बेटा जूनियर है जो इस बुक में छिपा हुआ रहता है। सेनाएं और करण राव एक रो एजेंट बंधकों के बारे में टाइगर और जोया का पता लगाते हैं और उन्हें सूचित करते हैं कि शुरुआती अनिच्छा के बावजूद जोया की जिद के बाद टाइगर मान जाता है। टाइगर रो एजेंटों की अपनी चुनिंदा टीम के साथ सीरिया जाता है। अनजान एक विशेषज्ञ स्नाइपर नमित एक बम निरोधक विशेषज्ञ और राकेश नामक एक हैकर वे इराक की यात्रा करते हैं और खुद को IAC के प्रति भारतीय सहानुभूति रखने वाले तोयबान और उस्मान के दूसरे नंबर से कमांडर अमीर बगदावी द्वारा संचालित तेल रिफाइनरी के लिए अवैध प्रयासी श्रमिक के रूप में पेश करते हैं। टाइगर आपूर्ति इकट्ठा करने के लिए किट में पवन नाम के अपने हेल्डलर से मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय। दोस्तों अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइगर जिंदा है मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 दिसंबर 2017 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी टाइगर जिंदा है, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया था। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अली अब्बास जफर, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा,
अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 5.9 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 64% तक फ्रेज बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन गूगल यूजर्स की, तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 76% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 41 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान है, कैटरीना कैफ है, सज्जाद डेलफ्रोजी, परेश रावल, अंगद बेदी, गिरीश कर्नाड, कुमुद मिश्रा, नवाब साहा, अनुप्रिया गोयका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। सो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को कहां पर आप इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है 2017 में एक था टाइगर की घटनाओं के 8 साल बाद एक अमेरिकी पत्रकार की इराक में आतंकवादी संगठन है IAC द्वारा हत्या कर दी गई। जब वे CIA को अपनी हालिया गतिविधियों की रिपोर्ट करने का प्रयास कर रहा था, इकरीत में एक रैली के दौरान उनके नेता अबू उस्मान को इराकी सेना ने गोली मार दी और उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जो भारतीय और पाकिस्तानी नर्सों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी काम करता है। उस्मान ने सुरक्षा के लिए अपने चारों ओर IAC की उपस्थिति बढ़ाने का आदेश दिया, जिससे CIA को अस्पताल पर हवाई हमले की तैयारी करनी पड़ी। इसी दौरान एक भारतीय नर्स मारिया गुप्त रूप से इराक में भारतीय राजदूत को फोन देती है और उन्हें भारतीय और पाकिस्तानी नर्सों को बंधक बनाए जाने की जानकारी देती है। CIA ने रो प्रमुख सेनाए को बताया कि हवाई हमले का आदेश देने से पहले नर्सों को बचाने के लिए उनके पास 7 दिन है। अविनाश सिंह टाइगर राठौड़ और जोया हुमेमी राठौड़ अब शादीशुदा है और उनका एक बेटा जूनियर है जो इस बुक में छिपा हुआ रहता है। सेनाए और करण राव एक रो एजेंट बंधकों के बारे में टाइगर को और जोया का पता लगाते हैं और उन्हें सूचित करते हैं कि शुरुआती अनिच्छा के बावजूद जोया की जिद के बाद टाइगर मान जाता है। टाइगर रो एजेंटों की अपनी चुनिंदा टीम के साथ सीरिया जाता है। अनजान एक विशेषज्ञ स्नाइपर, नमित एक बम निरोधक विशेषज्ञ और राकेश नामक एक हैकर वे इराक की यात्रा करते हैं और खुद को IAC के प्रति भारतीय सहानुभूति रखने वाले तोयबान और उस्मान के दूसरे नंबर से कमांडर अमीर बगदावी द्वारा संचालित तेल रिफाइनरी के लिए अवैध प्रयासी श्रमिक के रूप में पेश करते हैं। टाइगर आपूर्ति इकट्ठा करने के लिए किट में पवन नाम के अपने हेल्डलर से मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय। दोस्तों अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइगर जिंदा है मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं,
जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 दिसंबर 2017 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी टाइगर जिंदा है, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया था। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अली अब्बास जफर, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.9 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 64% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन गूगल यूजर्स की, तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 76% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 41 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान है, कैटरीना कैफ है, सज्जाद डेलफ्रोजी, परेश रावल, अंगद बेदी, गिरीश कर्नाड, कुमुद मिश्रा, नवाब साहा, अनुप्रिया गोयका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। सो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को कहां पर आप इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है 2017 में एक था टाइगर की घटनाओं के 8 साल बाद एक अमेरिकी पत्रकार की इराक में आतंकवादी संगठन है IAC द्वारा हत्या कर दी गई, जब वे CIA को अपनी हालिया गतिविधियों की रिपोर्ट करने का प्रयास कर रहा था। इकरीत में एक रैली के दौरान उनके नेता अबू उस्मान को इराकी सेना ने गोली मार दी और उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जो भारतीय और पाकिस्तानी नर्सों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी काम करता है। उस्मान ने सुरक्षा के लिए अपने चारों ओर IAC की उपस्थिति बढ़ाने का आदेश दिया, जिससे CIA को अस्पताल पर हवाई हमले की तैयारी करनी पड़ी। इसी दौरान एक भारतीय नर्स मारिया गुप्त रूप से इराक में भारतीय राजदूत को फोन देती है और उन्हें भारतीय और पाकिस्तानी नर्सों को बंधक बनाए जाने की जानकारी देती है। CIA ने रो प्रमुख सेनाए को बताया कि हवाई हमले का आदेश देने से पहले नर्सों को बचाने के लिए उनके पास 7 दिन है। अविनाश सिंह टाइगर राठौड़ और जोया हुमेमी राठौड़ अब शादीशुदा है और उनका एक बेटा जूनियर है जो इस बुक में छिपा हुआ रहता है। सेनाए और करण राव एक रो एजेंट बंधकों के बारे में टाइगर और जोया का पता लगाते हैं और उन्हें सूचित करते हैं कि शुरुआती अनिच्छा के बावजूद जोया की जिद के बाद टाइगर मान जाता है। टाइगर रो एजेंटों की अपनी चुनिंदा टीम के साथ सीरिया जाता है। अनजान एक विशेषज्ञ स्नाइपर नमित एक बम निरोधक विशेषज्ञ और राकेश नामक एक हैकर वे इराक की यात्रा करते हैं और खुद को IAC के प्रति भारतीय सहानुभूति रखने वाले तोयबान और उस्मान के दूसरे नंबर से कमांडर अमीर बगदावी द्वारा संचालित तेल रिफाइनरी के लिए अवैध प्रवासी श्रमिक के रूप में पेश करते हैं।
टाइगर आपूर्ति इकट्ठा करने के लिए किट में पवन नाम के अपने हेल्डलर से मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय। दोस्तों अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइगर जिंदा है मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 दिसंबर 2017 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी टाइगर जिंदा है, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया था, तो इस मूवी के डायरेक्टर दोस्तों अली अब्बास जफर, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.9 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 64% तक फ्रेज बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन गूगल यूजर्स की, तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 76% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 41 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान है, कैटरीना कैफ, सज्जाद डेलफ्रोजी, परेश रावल, अंगद बेदी, गिरीश कर्नाड, कुमुद मिश्रा, नवाब साहा, अनुप्रिया गोयका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। सो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को कहां पर आप इंजॉय कर सकते हैं, तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है 2017 में एक था टाइगर की घटनाओं के 8 साल बाद एक अमेरिकी पत्रकार की इराक में आतंकवादी संगठन IAC द्वारा हत्या कर दी गई, जब वे CIA को अपनी हालिया गतिविधियों की रिपोर्ट करने का प्रयास कर रहा था। इकरीत में एक रैली के दौरान उनके नेता अबू उस्मान को इराकी सेना ने गोली मार दी और उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जो भारतीय और पाकिस्तानी नर्सों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी काम करता है। उस्मान ने सुरक्षा के लिए अपने चारों ओर IAC की उपस्थिति बढ़ाने का आदेश दिया, जिससे CIA को अस्पताल पर हवाई हमले की तैयारी करनी पड़ी। इसी दौरान एक भारतीय नर्स मारिया गुप्त रूप से इराक में भारतीय राजदूत को फोन देती है और उन्हें भारतीय और पाकिस्तानी नर्सों को बंधक बनाए जाने की जानकारी देती है। CIA ने रो प्रमुख सेनाए को बताया कि हवाई हमले का आदेश देने से पहले नर्सों को बचाने के लिए उनके पास 7 दिन है। अविनाश सिंह टाइगर राठौड़ और जोया हुमेमी राठौड़ अब शादीशुदा है और उनका एक बेटा जूनियर है जो इस बुक में छिपा हुआ रहता है। सेनाए और करण राव एक रो एजेंट बंधकों के बारे में
टाइगर और जोया का पता लगाते हैं और उन्हें सूचित करते हैं कि शुरुआती अनिच्छा के बावजूद जोया की जिद के बाद टाइगर मान जाता है। टाइगर रो एजेंटों की अपनी चुनिंदा टीम के साथ सीरिया जाता है। अनजान एक विशेषज्ञ स्नाइपर, नमित एक बम निरोधक विशेषज्ञ और राकेश नामक एक हैकर, वे इराक की यात्रा करते हैं और खुद को आईएसी के प्रति भारतीय सहानुभूति रखने वाले तोयबान और उस्मान के दूसरे नंबर से कमांडर अमीर बगदावी द्वारा संचालित तेल रिफाइनरी के लिए अवैध प्रयासी श्रमिक के रूप में पेश करते हैं। टाइगर आपूर्ति इकट्ठा करने के लिए किट में पवन नाम के अपने हेल्डलर से मिलता है। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय। दोस्तों अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइगर जिंदा है मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 दिसंबर 2017 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी टाइगर जिंदा है, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया था। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अली अब्बास जफर, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 5.9 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 64% तक फ्रेज बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन गूगल यूजर्स की, तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 76% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 41 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान, कैटरीना कैफ, सज्जाद डेलफ्रोज, परेश रावल, अंगद बेदी, गिरीश कर्नाड, कुमुद मिश्रा, नवाब साहा, अनुप्रिया गोयका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। सो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को कहाँ पर आप इन्जॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है 2017 में एक था टाइगर की घटनाओं के 8 साल बाद एक अमेरिकी पत्रकार की इराक में आतंकवादी संगठन आईएसआई द्वारा हत्या कर दी गई। जब वे सीआई को अपनी हालिया गतिविधियों की रिपोर्ट करने का प्रयास कर रहा था, इकरित में एक रैली के दौरान उनके नेता अबू उस्मान को इराकी सेना ने गोली मार दी और उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जो भारतीय और पाकिस्तानी नर्सों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी काम करता है। उस्मान ने सुरक्षा के लिए अपने चारों ओर आईएसआई की उपस्थिति बढ़ाने का आदेश दिया, जिससे सीआई
को अस्पताल पर हवाई हमले की तैयारी करनी पड़ी। इसी दौरान एक भारतीय नर्स मारिया गुप्त रूप से इराक में भारतीय राजदूत को फोन देती है और उन्हें भारतीय और पाकिस्तानी नर्सों को बंधक बनाए जाने की जानकारी देती है। CIA ने रो प्रमुख सेनाए को बताया कि हवाई हमले का आदेश देने से पहले नर्सों को बचाने के लिए उनके पास 7 दिन है। अविनाश सिंह टाइगर राठौड़ और जोया हुमेमी राठौड़ अब शादीशुदा है और उनका एक बेटा जूनियर है जो इस बुक में छिपा हुआ रहता है। सेनाए और करण राव एक रो एजेंट बंधकों के बारे में टाइगर और जोया का पता लगाते हैं और उन्हें सूचित करते हैं कि शुरुआती अनिच्छा के बावजूद जोया की जिद के बाद टाइगर मान जाता है। टाइगर रो एजेंटों की अपनी चुनिंदा टीम के साथ सीरिया जाता है। अनजान एक विशेषज्ञ स्नाइपर नमित एक बम निरोधक विशेषज्ञ और राकेश नामक एक हैकर वे इराक की यात्रा करते हैं और खुद को ISI के प्रति भारतीय सहानुभूति रखने वाले तोयबान और उस्मान के दूसरे नंबर से कमांडर अमीर बगदावी द्वारा संचालित तेल रिफाइनरी के लिए अवैध प्रयासी श्रमिक के रूप में पेश करते हैं। टाइगर आपूर्ति इकट्ठा करने के लिए किट में पवन नाम के अपने हेल्डलर से मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगली नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय। दोस्तों अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइगर जिंदा है मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 दिसंबर 2017 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी टाइगर जिंदा है, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया था। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अली अब्बास जफर, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.9 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 64% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन गूगल यूजर्स की, तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 76% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 41 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान, कैटरीना कैफ, सज्जाद डेलफ्रोज, परेश रावल, अंगद बेदी, गिरीश कर्नाड, कुमुद मिश्रा, नवाब साहा, अनुप्रिया गोयका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। सो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को कहां पर आप इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है 2017 में एक था टाइगर की घटनाओं के 8 साल बाद एक अमेरिकी पत्रकार की इराक में आतंकवादी संगठन
आईएससी द्वारा हत्या कर दी गई। जब वे सीआई को अपनी हालिया गतिविधियों की रिपोर्ट करने का प्रयास कर रहा था, इकरित में एक रैली के दौरान उनके नेता अबू उस्मान को इराकी सेना ने गोली मार दी और उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जो भारतीय और पाकिस्तानी नर्सों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी काम करता है। उस्मान ने सुरक्षा के लिए अपने चारों ओर आईएससी की उपस्थिति बढ़ाने का आदेश दिया, जिससे सीआई को अस्पताल पर हवाई हमले की तैयारी करनी पड़ी। इसी दौरान एक भारतीय नर्स मारिया गुप्त रूप से इराक में भारतीय राजदूत को फोन देती है और उन्हें भारतीय और पाकिस्तानी नर्सों को बंधक बनाए जाने की जानकारी देती है। सीआई ने रो प्रमुख सेनाए को बताया कि हवाई हमले का आदेश देने से पहले नर्सों को बचाने के लिए उनके पास 7 दिन है। अविनाश सिंह टाइगर राठौड़ और जोया हुमेमी राठौड़ अब शादीशुदा है और उनका एक बेटा जूनियर है जो इस बुक में छिपा हुआ रहता है। सेनाए और करण राव एक रो एजेंट बंधकों के बारे में टाइगर को और जोया का पता लगाते हैं और उन्हें सूचित करते हैं कि शुरुआती अनिच्छा के बावजूद जोया की जिद के बाद टाइगर मान जाता है। टाइगर रो एजेंटों की अपनी चुनिंदा टीम के साथ सीरिया जाता है। अनजान एक विशेषज्ञ स्नाइपर, नमित एक बम निरोधक विशेषज्ञ और राकेश नामक एक हैकर, वे इराक की यात्रा करते हैं और खुद को आईएससी के प्रति भारतीय सहानुभूति रखने वाले तोयबान और उस्मान के दूसरे नंबर से कमांडर अमीर बगदावी द्वारा संचालित तेल रिफाइनरी के लिए अवैध प्रयासी श्रमिक के रूप में पेश करते हैं। टाइगर आपूर्ति इकट्ठा करने के लिए किट में पवन नाम के अपने हेल्डलर से मिलता है। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय। दोस्तों अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइगर जिंदा है मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 दिसंबर 2017 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी टाइगर जिंदा है, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया था। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अली अब्बास जफर, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 5.9 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 64% तक फ्रेज बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन गूगल यूजर्स की, तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 76% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 41 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान है, कैटरीना कैफ, सज्जाद डेलफ्रोज, परेश रावल, अंगद बेदी, गिरीश कर्नाड, कुमुद मिश्रा, नवाब साहा, अनुप्रिया गोयका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को कहां पर आप एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है 2017 में एक था टाइगर की घटनाओं के 8 साल बाद एक अमेरिकी पत्रकार की इराक में आतंकवादी संगठन IAC द्वारा हत्या कर दी गई। जब वे CIA को अपनी हालिया गतिविधियों की रिपोर्ट करने का प्रयास कर रहा था, इकरीत में एक रैली के दौरान उनके नेता अबू उस्मान को इराकी सेना ने गोली मार दी और उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जो भारतीय और पाकिस्तानी नर्सों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी काम करता है। उस्मान ने सुरक्षा के लिए अपने चारों ओर IAC की उपस्थिति बढ़ाने का आदेश दिया, जिससे CIA को अस्पताल पर हवाई हमले की तैयारी करनी पड़ी। इसी दौरान एक भारतीय नर्स मारिया गुप्त रूप से इराक में भारतीय राजदूत को फोन देती है और उन्हें भारतीय और पाकिस्तानी नर्सों को बंधक बनाए जाने की जानकारी देती है। CIA ने रो प्रमुख सेनाए को बताया कि हवाई हमले का आदेश देने से पहले नर्सों को बचाने के लिए उनके पास 7 दिन है। अविनाश सिंह टाइगर राठौड़ और जोया हुमेमी राठौड़ अब शादीशुदा है और उनका एक बेटा जूनियर है जो इस बुक में छिपा हुआ रहता है। सेनाए और करण राव एक रो एजेंट बंधकों के बारे में टाइगर और जोया का पता लगाते हैं और उन्हें सूचित करते हैं कि शुरुआती अनिच्छा के बावजूद जोया की जिद के बाद टाइगर मान जाता है। टाइगर रो एजेंटों की अपनी चुनिंदा टीम के साथ सीरिया जाता है। अनजान एक विशेषज्ञ स्नाइपर नमित एक बम निरोधक विशेषज्ञ और राकेश नामक एक हैकर वे इराक की यात्रा करते हैं और खुद को IAC के प्रति भारतीय सहानुभूति रखने वाले तोयबान और उस्मान के दूसरे नंबर से कमांडर अमीर बगदावी द्वारा संचालित तेल रिफाइनरी के लिए अवैध प्रवासी श्रमिक के रूप में पेश करते हैं। टाइगर आपूर्ति इकट्ठा करने के लिए किट में पवन नाम के अपने हेल्डलर से मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएँ। मिलते हैं दोस्तों के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय। दोस्तों अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइगर जिंदा है मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 दिसंबर 2017 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी टाइगर जिंदा है, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया था। तो इस मूवी के डायरेक्टर दोस्तों अली अब्बास जफर, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 5.9 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 64% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन गूगल यूजर्स की, तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 76% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में।
तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 41 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान है, कैटरीना कैफ है, सज्जाद डेलफ्रोजी, परेश रावल, अंगद बेदी, गिरीश कर्नाड, कुमुद मिश्रा, नवाब साहा, अनुप्रिया गोयका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। सो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को कहां पर आप इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है 2017 में एक था टाइगर की घटनाओं के 8 साल बाद एक अमेरिकी पत्रकार की इराक में आतंकवादी संगठन IAC द्वारा हत्या कर दी गई। जब वे CIA को अपनी हालिया गतिविधियों की रिपोर्ट करने का प्रयास कर रहा था, इकरीत में एक रैली के दौरान उनके नेता अबू उस्मान को इराकी सेना ने गोली मार दी और उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जो भारतीय और पाकिस्तानी नर्सों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी काम करता है। उस्मान ने सुरक्षा के लिए अपने चारों ओर IAC की उपस्थिति बढ़ाने का आदेश दिया, जिससे CIA को अस्पताल पर हवाई हमले की तैयारी करनी पड़ी। इसी दौरान एक भारतीय नर्स मारिया गुप्त रूप से इराक में भारतीय राजदूत को फोन देती है और उन्हें भारतीय और पाकिस्तानी नर्सों को बंधक बनाए जाने की जानकारी देती है। CIA ने रो प्रमुख सेनाए को बताया कि हवाई हमले का आदेश देने से पहले नर्सों को बचाने के लिए उनके पास 7 दिन है। अविनाश सिंह टाइगर राठौड़ और जोया हुमेमी राठौड़ अब शादीशुदा है और उनका एक बेटा जूनियर है जो इस बुक में छिपा हुआ रहता है। सेनाए और करण राव एक रो एजेंट बंधकों के बारे में टाइगर को और जोया का पता लगाते हैं और उन्हें सूचित करते हैं कि शुरुआती अनिच्छा के बावजूद जोया की जिद के बाद टाइगर मान जाता है। टाइगर रो एजेंटों की अपनी चुनिंदा टीम के साथ सीरिया जाता है। अनजान एक विशेषज्ञ स्नाइपर नमित एक बम निरोधक विशेषज्ञ और राकेश नामक एक हैकर वे इराक की यात्रा करते हैं और खुद को IAC के प्रति भारतीय सहानुभूति रखने वाले तोयबान और उस्मान के दूसरे नंबर से कमांडर अमीर बगदावी द्वारा संचालित तेल रिफाइनरी के लिए अवैध प्रयासी श्रमिक के रूप में पेश करते हैं। टाइगर आपूर्ति इकट्ठा करने के लिए किट में पवन नाम के अपने हेल्डलर से मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय। दोस्तों अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइगर जिंदा है मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 दिसंबर 2017 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी टाइगर जिंदा है, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया था। तो इस मूवी के डायरेक्टर दोस्तों अली अब्बास जफर, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं।
तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 5.9 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 64% तक फ्रेज बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन गूगल यूजर्स की, तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 76% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 41 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान है, कैटरीना कैफ, सज्जाद डेलफ्रोजी, परेश रावल, अंगद बेदी, गिरीश कर्नाड, कुमुद मिश्रा, नवाब साहा, अनुप्रिया गोयका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। सो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को कहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है 2017 में एक था टाइगर की घटनाओं के 8 साल बाद एक अमेरिकी पत्रकार की इराक में आतंकवादी संगठन IAC द्वारा हत्या कर दी गई। जब वे CIA को अपनी हालिया गतिविधियों की रिपोर्ट करने का प्रयास कर रहा था, इकरित में एक रैली के दौरान उनके नेता अबू उस्मान को इराकी सेना ने गोली मार दी और उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जो भारतीय और पाकिस्तानी नर्सों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी काम करता है। उस्मान ने सुरक्षा के लिए अपने चारों ओर IAC की उपस्थिति बढ़ाने का आदेश दिया, जिससे CIA को अस्पताल पर हवाई हमले की तैयारी करनी पड़ी। इसी दौरान एक भारतीय नर्स मारिया गुप्त रूप से इराक में भारतीय राजदूत को फोन देती है और उन्हें भारतीय और पाकिस्तानी नर्सों को बंधक बनाए जाने की जानकारी देती है। CIA ने रो प्रमुख सेनाए को बताया कि हवाई हमले का आदेश देने से पहले नर्सों को बचाने के लिए उनके पास 7 दिन है। अविनाश सिंह टाइगर राठौड़ और जोया हुमेमी राठौड़ अब शादीशुदा है और उनका एक बेटा जूनियर है जो इस बुक में छिपा हुआ रहता है। सेनाए और करण राव एक रो एजेंट बंधकों के बारे में टाइगर और जोया का पता लगाते हैं और उन्हें सूचित करते हैं कि शुरुआती अनिच्छा के बावजूद जोया की जिद के बाद टाइगर मान जाता है। टाइगर रो एजेंटों की अपनी चुनिंदा टीम के साथ सीरिया जाता है। अनजान एक विशेषज्ञ स्नाइपर नमित एक बम निरोधक विशेषज्ञ और राकेश नामक एक हैकर वे इराक की यात्रा करते हैं और खुद को IAC के प्रति भारतीय सहानुभूति रखने वाले तोयबान और उस्मान के दूसरे नंबर से कमांडर अमीर बगदावी द्वारा संचालित तेल रिफाइनरी के लिए अवैध प्रयासी श्रमिक के रूप में पेश करते हैं। टाइगर आपूर्ति इकट्ठा करने के लिए किट में पवन नाम के अपने हेल्डलर से मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। मिलते हैं दोस्तों अगली नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय। दोस्तों अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइगर जिंदा है मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं,
जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 दिसंबर 2017 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी टाइगर जिंदा है, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया था। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अली अब्बास जफर, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.9 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 64% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन गूगल यूजर्स की, तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 76% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 41 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान है, कैटरीना कैफ, सज्जाद डेलफ्रोजी, परेश रावल, अंगद बेदी, गिरीश कर्नाड, कुमुद मिश्रा, नवाब साहा, अनुप्रिया गोयका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। सो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को कहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है 2017 में एक था टाइगर की घटनाओं के 8 साल बाद एक अमेरिकी पत्रकार की इराक में आतंकवादी संगठन है IAC द्वारा हत्या कर दी गई, जब वे CIA को अपनी हालिया गतिविधियों की रिपोर्ट करने का प्रयास कर रहा था। इकरीत में एक रैली के दौरान उनके नेता अबू उस्मान को इराकी सेना ने गोली मार दी और उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जो भारतीय और पाकिस्तानी नर्सों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी काम करता है। उस्मान ने सुरक्षा के लिए अपने चारों ओर IAC की उपस्थिति बढ़ाने का आदेश दिया, जिससे CIA को अस्पताल पर हवाई हमले की तैयारी करनी पड़ी। इसी दौरान एक भारतीय नर्स मारिया गुप्त रूप से इराक में भारतीय राजदूत को फोन देती है और उन्हें भारतीय और पाकिस्तानी नर्सों को बंधक बनाए जाने की जानकारी देती है। CIA ने रो प्रमुख सेनाए को बताया कि हवाई हमले का आदेश देने से पहले नर्सों को बचाने के लिए उनके पास 7 दिन है। अविनाश सिंह टाइगर राठौड़ और जोया हुमेमी राठौड़ अब शादीशुदा है और उनका एक बेटा जूनियर है जो इस बुक में छिपा हुआ रहता है। सेनाए और करण राव एक रो एजेंट बंधकों के बारे में टाइगर और जोया का पता लगाते हैं और उन्हें सूचित करते हैं कि शुरुआती अनिच्छा के बावजूद जोया की जिद के बाद टाइगर मान जाता है। टाइगर रो एजेंटों की अपनी चुनिंदा टीम के साथ सीरिया जाता है। अनजान एक विशेषज्ञ स्नाइपर, नमित एक बम निरोधक विशेषज्ञ और राकेश नामक एक हैकर, वे इराक की यात्रा करते हैं और खुद को IAC के प्रति भारतीय सहानुभूति रखने वाले तोयबान और उस्मान के दूसरे नंबर से कमांडर अमीर बगदावी द्वारा संचालित तेल रिफाइनरी के लिए अवैध प्रयासी श्रमिक के रूप में पेश करते हैं।
टाइगर आपूर्ति इकट्ठा करने के लिए किट में पवन नाम के अपने हेल्डलर से मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय। दोस्तों अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइगर जिंदा है मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 दिसंबर 2017 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी टाइगर जिंदा है, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया था, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अली अब्बास जफर, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.9 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 64% तक फ्रेज बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन गूगल यूजर्स की, तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 76% तक लाइक किया है, तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 41 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान है, कैटरीना कैफ, सज्जाद डेलफ्रोज, परेश रावल, अंगद बेदी, गिरीश कर्नाड, कुमुद मिश्रा, नवाब साहा, अनुप्रिया गोयका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को कहां पर आप इंजॉय कर सकते हैं, तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है 2017 में एक था टाइगर की घटनाओं के 8 साल बाद एक अमेरिकी पत्रकार की इराक में आतंकवादी संगठन IAC द्वारा हत्या कर दी गई, जब वे CIA को अपनी हालिया गतिविधियों की रिपोर्ट करने का प्रयास कर रहा था। इकरीत में एक रैली के दौरान उनके नेता अबू उस्मान को इराकी सेना ने गोली मार दी और उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जो भारतीय और पाकिस्तानी नर्सों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी काम करता है। उस्मान ने सुरक्षा के लिए अपने चारों ओर IAC की उपस्थिति बढ़ाने का आदेश दिया, जिससे CIA को अस्पताल पर हवाई हमले की तैयारी करनी पड़ी। इसी दौरान एक भारतीय नर्स मारिया गुप्त रूप से इराक में भारतीय राजदूत को फोन देती है और उन्हें भारतीय और पाकिस्तानी नर्सों को बंधक बनाए जाने की जानकारी देती है। CIA ने रो प्रमुख सेनाए को बताया कि हवाई हमले का आदेश देने से पहले नर्सों को बचाने के लिए उनके पास 7 दिन है। अविनाश सिंह टाइगर राठौड़ और जोया हुमेमी राठौड़ अब शादीशुदा है और उनका एक बेटा जूनियर है जो इस बुक में छिपा हुआ रहता है। सेनाए और करण राव एक रो एजेंट बंधकों के बारे में
टाइगर और जोया का पता लगाते हैं और उन्हें सूचित करते हैं कि शुरुआती अनिच्छा के बावजूद जोया की जिद के बाद टाइगर मान जाता है। टाइगर रो एजेंटो की अपनी चुनिंदा टीम के साथ सीरिया जाता है। अनजान एक विशेषज्ञ स्नाइपर, नमित एक बम निरोधक विशेषज्ञ और राकेश नामक एक हैकर वे इराक की यात्रा करते हैं और खुद को आईएसी के प्रति भारतीय सहानुभूति रखने वाले तोयबान और उस्मान के दूसरे नंबर से कमांडर अमीर बगदावी द्वारा संचालित तेल रिफाइनरी के लिए अवैध प्रयासी श्रमिक के रूप में पेश करते हैं। टाइगर आपूर्ति इकट्ठा करने के लिए किट में पवन नाम के अपने हेल्डलर से मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय। दोस्तों अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइगर जिंदा है मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 दिसंबर 2017 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी टाइगर जिंदा है, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया था। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अली अब्बास जफर, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 5.9 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 64% तक फ्रेज बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन गूगल यूजर्स की, तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 76% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 41 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान, कैटरीना कैफ, सज्जाद डेलफ्रोज, परेश रावल, अंगद बेदी, गिरीश कर्नाड, कुमुद मिश्रा, नवाब साहा, अनुप्रिया गोयका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। सो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को कहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है 2017 में एक था टाइगर की घटनाओं के 8 साल बाद एक अमेरिकी पत्रकार की इराक में आतंकवादी संगठन आईएसआई द्वारा हत्या कर दी गई। जब वे सीआई को अपनी हालिया गतिविधियों की रिपोर्ट करने का प्रयास कर रहा था, इकरीत में एक रैली के दौरान उनके नेता अबू उस्मान को इराकी सेना ने गोली मार दी और उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जो भारतीय और पाकिस्तानी नर्सों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी काम करता है। उस्मान ने सुरक्षा के लिए अपने चारों ओर आईएसआई की उपस्थिति बढ़ाने का आदेश दिया, जिससे सीआई
को अस्पताल पर हवाई हमले की तैयारी करनी पड़ी। इसी दौरान एक भारतीय नर्स मारिया गुप्त रूप से इराक में भारतीय राजदूत को फोन देती है और उन्हें भारतीय और पाकिस्तानी नर्सों को बंधक बनाए जाने की जानकारी देती है। सीआई ने रो प्रमुख सेनाए को बताया कि हवाई हमले का आदेश देने से पहले नर्सों को बचाने के लिए उनके पास 7 दिन है। अविनाश सिंह टाइगर राठौड़ और जोया हुमेमी राठौड़ अब शादीशुदा है और उनका एक बेटा जूनियर है जो इस बुक में छिपा हुआ रहता है। सेनाए और करण राव एक रो एजेंट बंधकों के बारे में टाइगर और जोया का पता लगाते हैं और उन्हें सूचित करते हैं कि शुरुआती अनिच्छा के बावजूद जोया की जिद के बाद टाइगर मान जाता है। टाइगर रो एजेंटों की अपनी चुनिंदा टीम के साथ सीरिया जाता है। अनजान एक विशेषज्ञ स्नाइपर नमित एक बम निरोधक विशेषज्ञ और राकेश नामक एक हैकर वे इराक की यात्रा करते हैं और खुद को आईएसी के प्रति भारतीय सहानुभूति रखने वाले तोयबान और उस्मान के दूसरे नंबर से कमांडर अमीर बगदावी द्वारा संचालित तेल रिफाइनरी के लिए अवैध प्रयासी श्रमिक के रूप में पेश करते हैं। टाइगर आपूर्ति इकट्ठा करने के लिए किट में पवन नाम के अपने हेल्डलर से मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय। दोस्तों अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइगर जिंदा है मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 दिसंबर 2017 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी टाइगर जिंदा है, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया था। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अली अब्बास जफर, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 5.9 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 64% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन गूगल यूजर्स की, तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 76% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 41 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान, कैटरीना कैफ, सज्जाद डेलफ्रोज, परेश रावल, अंगद बेदी, गिरीश कर्नाड, कुमुद मिश्रा, नवाब साहा, अनुप्रिया गोयका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। सो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को कहाँ पर आप इन्जॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है 2017 में एक था टाइगर की घटनाओं के 8 साल बाद एक अमेरिकी पत्रकार की इराक में आतंकवादी संगठन
IAC द्वारा हत्या कर दी गई, जब वे CI को अपनी हालिया गतिविधियों की रिपोर्ट करने का प्रयास कर रहा था। इकरीत में एक रैली के दौरान उनके नेता अबू उस्मान को इराकी सेना ने गोली मार दी और उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जो भारतीय और पाकिस्तानी नर्सों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी काम करता है। उस्मान ने सुरक्षा के लिए अपने चारों ओर IAC की उपस्थिति बढ़ाने का आदेश दिया, जिससे CI को अस्पताल पर हवाई हमले की तैयारी करनी पड़ी। इसी दौरान एक भारतीय नर्स मारिया गुप्त रूप से इराक में भारतीय राजदूत को फोन देती है और उन्हें भारतीय और पाकिस्तानी नर्सों को बंधक बनाए जाने की जानकारी देती है। CI ने रो प्रमुख सेनाए को बताया कि हवाई हमले का आदेश देने से पहले नर्सों को बचाने के लिए उनके पास 7 दिन है। अविनाश सिंह टाइगर राठौड़ और जोया हुमेमी राठौड़ अब शादीशुदा है और उनका एक बेटा जूनियर है जो इस बुक में छिपा हुआ रहता है। सेनाए और करण राव एक रो एजेंट बंधकों के बारे में टाइगर को और जोया का पता लगाते हैं और उन्हें सूचित करते हैं कि शुरुआती अनिच्छा के बावजूद जोया की जिद के बाद टाइगर मान जाता है। टाइगर रो एजेंटों की अपनी चुनिंदा टीम के साथ सीरिया जाता है। अनजान एक विशेषज्ञ स्नाइपर, नमित एक बम निरोधक विशेषज्ञ और राकेश नामक एक हैकर, वे इराक की यात्रा करते हैं और खुद को IAC के प्रति भारतीय सहानुभूति रखने वाले तोयबान और उस्मान के दूसरे नंबर से कमांडर अमीर बगदावी द्वारा संचालित तेल रिफाइनरी के लिए अवैध प्रयासी श्रमिक के रूप में पेश करते हैं। टाइगर आपूर्ति इकट्ठा करने के लिए किट में पवन नाम के अपने हेल्डलर से मिलता है। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगली नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय। दोस्तों, अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइगर जिंदा है मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 22 दिसंबर 2017 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी टाइगर जिंदा है, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया था। तो इस मूवी के डायरेक्टर दोस्तों अली अब्बास जफर, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.9 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 64% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन गूगल यूजर्स की, तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 76% तक लाइक किया है। तो दोस्तों, आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 41 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान, कैटरीना कैफ, सज्जाद डेलफ्रोज, परेश रावल, अंगद बेदी, गिरीश कर्नाड, कुमुद मिश्रा, नवाब साहा, अनुप्रिया गोयका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। सो दोस्तों, ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को कहां पर आप एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है 2017 में एक था टाइगर की घटनाओं के 8 साल बाद एक अमेरिकी पत्रकार की इराक में आतंकवादी संगठन IAC द्वारा हत्या कर दी गई। जब वे CIA को अपनी हालिया गतिविधियों की रिपोर्ट करने का प्रयास कर रहा था, इकरीत में एक रैली के दौरान उनके नेता अबू उस्मान को इराकी सेना ने गोली मार दी और उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जो भारतीय और पाकिस्तानी नर्सों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी काम करता है। उस्मान ने सुरक्षा के लिए अपने चारों ओर IAC की उपस्थिति बढ़ाने का आदेश दिया, जिससे CIA को अस्पताल पर हवाई हमले की तैयारी करनी पड़ी। इसी दौरान एक भारतीय नर्स मारिया गुप्त रूप से इराक में भारतीय राजदूत को फोन देती है और उन्हें भारतीय और पाकिस्तानी नर्सों को बंधक बनाए जाने की जानकारी देती है। CIA ने रो प्रमुख सेनाए को बताया कि हवाई हमले का आदेश देने से पहले नर्सों को बचाने के लिए उनके पास 7 दिन है। अविनाश सिंह टाइगर राठौड़ और जोया हुमेमी राठौड़ अब शादीशुदा है और उनका एक बेटा जूनियर है जो इस बुक में छिपा हुआ रहता है। सेनाए और करण राव एक रो एजेंट बंधकों के बारे में टाइगर और जोया का पता लगाते हैं और उन्हें सूचित करते हैं कि शुरुआती अनिच्छा के बावजूद जोया की जिद के बाद टाइगर मान जाता है। टाइगर रो एजेंटों की अपनी चुनिंदा टीम के साथ सीरिया जाता है। अनजान एक विशेषज्ञ स्नाइपर, नमित एक बम निरोधक विशेषज्ञ और राकेश नामक एक हैकर, वे इराक की यात्रा करते हैं और खुद को IAC के प्रति भारतीय सहानुभूति रखने वाले तोयबान और उस्मान के दूसरे नंबर से कमांडर अमीर बगदावी द्वारा संचालित तेल रिफाइनरी के लिए अवैध प्रयासी श्रमिक के रूप में पेश करते हैं। टाइगर आपूर्ति इकट्ठा करने के लिए किट में पवन नाम के अपने हेल्डलर से मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय। दोस्तों अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइगर जिंदा है मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 दिसंबर 2017 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी टाइगर जिंदा है, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया था। तो इस मूवी के डायरेक्टर दोस्तों अली अब्बास जफर, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 5.9 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 64% तक फ्रेज बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन गूगल यूजर्स की, तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 76% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 41 मिनट,
जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान है, कैटरीना कैफ है, सज्जाद डेलफ्रोजी, परेश रावल, अंगद बेदी, गिरीश कर्नाड, कुमुद मिश्रा, नवाब साहा, अनुप्रिया गोयका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। सो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को कहां पर आप इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है 2017 में एक था टाइगर की घटनाओं के 8 साल बाद एक अमेरिकी पत्रकार की इराक में आतंकवादी संगठन है IAC द्वारा हत्या कर दी गई। जब वे CIA को अपनी हालिया गतिविधियों की रिपोर्ट करने का प्रयास कर रहा था, इकरीत में एक रैली के दौरान उनके नेता अबू उस्मान को इराकी सेना ने गोली मार दी और उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जो भारतीय और पाकिस्तानी नर्सों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी काम करता है। उस्मान ने सुरक्षा के लिए अपने चारों ओर IAC की उपस्थिति बढ़ाने का आदेश दिया, जिससे CIA को अस्पताल पर हवाई हमले की तैयारी करनी पड़ी। इसी दौरान एक भारतीय नर्स मारिया गुप्त रूप से इराक में भारतीय राजदूत को फोन देती है और उन्हें भारतीय और पाकिस्तानी नर्सों को बंधक बनाए जाने की जानकारी देती है। CIA ने रो प्रमुख सेनाए को बताया कि हवाई हमले का आदेश देने से पहले नर्सों को बचाने के लिए उनके पास 7 दिन है। अविनाश सिंह टाइगर राठौड़ और जोया हुमेमी राठौड़ अब शादीशुदा है और उनका एक बेटा जूनियर है जो इस बुक में छिपा हुआ रहता है। सेनाए और करण राव एक रो एजेंट बंधकों के बारे में टाइगर और जोया का पता लगाते हैं और उन्हें सूचित करते हैं कि शुरुआती अनिच्छा के बावजूद जोया की जिद के बाद टाइगर मान जाता है। टाइगर रो एजेंटों की अपनी चुनिंदा टीम के साथ सीरिया जाता है। अनजान एक विशेषज्ञ स्नाइपर नमित एक बम निरोधक विशेषज्ञ और राकेश नामक एक हैकर वे इराक की यात्रा करते हैं और खुद को IAC के प्रति भारतीय सहानुभूति रखने वाले तोयबान और उस्मान के दूसरे नंबर से कमांडर अमीर बगदावी द्वारा संचालित तेल रिफाइनरी के लिए अवैध प्रवासी श्रमिक के रूप में पेश करते हैं। टाइगर आपूर्ति इकट्ठा करने के लिए किट में पवन नाम के अपने हेल्डलर से मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएँ। मिलते हैं दोस्तों के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय। दोस्तों अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइगर जिंदा है मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 दिसंबर 2017 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी टाइगर जिंदा है, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया था। तो इस मूवी के डायरेक्टर दोस्तों अली अब्बास जफर, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं।
तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 5.9 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 64% तक फ्रेज बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन गूगल यूजर्स की, तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 76% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 41 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान है, कैटरीना कैफ, सज्जाद डेलफ्रोजी, परेश रावल, अंगद बेदी, गिरीश कर्नाड, कुमुद मिश्रा, नवाब साहा, अनुप्रिया गोयका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। सो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को कहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है 2017 में एक था टाइगर की घटनाओं के 8 साल बाद एक अमेरिकी पत्रकार की इराक में आतंकवादी संगठन IAC द्वारा हत्या कर दी गई। जब वे CIA को अपनी हालिया गतिविधियों की रिपोर्ट करने का प्रयास कर रहा था, इकरित में एक रैली के दौरान उनके नेता अबू उस्मान को इराकी सेना ने गोली मार दी और उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जो भारतीय और पाकिस्तानी नर्सों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी काम करता है। उस्मान ने सुरक्षा के लिए अपने चारों ओर IAC की उपस्थिति बढ़ाने का आदेश दिया, जिससे CIA को अस्पताल पर हवाई हमले की तैयारी करनी पड़ी। इसी दौरान एक भारतीय नर्स मारिया गुप्त रूप से इराक में भारतीय राजदूत को फोन देती है और उन्हें भारतीय और पाकिस्तानी नर्सों को बंधक बनाए जाने की जानकारी देती है। CIA ने रो प्रमुख सेनाएं को बताया कि हवाई हमले का आदेश देने से पहले नर्सों को बचाने के लिए उनके पास 7 दिन है। अविनाश सिंह टाइगर राठौड़ और जोया हुमेमी राठौड़ अब शादीशुदा है और उनका एक बेटा जूनियर है जो इस बुक में छिपा हुआ रहता है। सेनाएं और करण राव एक रो एजेंट बंधकों के बारे में टाइगर और जोया का पता लगाते हैं और उन्हें सूचित करते हैं कि शुरुआती अनिच्छा के बावजूद जोया की जिद के बाद टाइगर मान जाता है। टाइगर रो एजेंटों की अपनी चुनिंदा टीम के साथ सीरिया जाता है। अनजान एक विशेषज्ञ स्नाइपर नमित एक बम निरोधक विशेषज्ञ और राकेश नामक एक हैकर वे इराक की यात्रा करते हैं और खुद को IAC के प्रति भारतीय सहानुभूति रखने वाले तोयबान और उस्मान के दूसरे नंबर से कमांडर अमीर बगदावी द्वारा संचालित तेल रिफाइनरी के लिए अवैध प्रयासी श्रमिक के रूप में पेश करते हैं। टाइगर आपूर्ति इकट्ठा करने के लिए किट में पवन नाम के अपने हेल्डलर से मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएँ। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय। दोस्तों अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइगर जिंदा है मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है,
तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 दिसंबर 2017 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी टाइगर जिंदा है, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया था। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अली अब्बास जफर, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.9 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 64% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन गूगल यूजर्स की, तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 76% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 41 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान है, कैटरीना कैफ है, सज्जाद डेलफ्रोजी, परेश रावल, अंगद बेदी, गिरीश कर्नाड, कुमुद मिश्रा, नवाब साहा, अनुप्रिया गोयका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। सो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को कहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है 2017 में एक था टाइगर की घटनाओं के 8 साल बाद एक अमेरिकी पत्रकार की इराक में आतंकवादी संगठन IAC द्वारा हत्या कर दी गई, जब वे CIA को अपनी हालिया गतिविधियों की रिपोर्ट करने का प्रयास कर रहा था। इकरीत में एक रैली के दौरान उनके नेता अबू उस्मान को इराकी सेना ने गोली मार दी और उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जो भारतीय और पाकिस्तानी नर्सों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी काम करता है। उस्मान ने सुरक्षा के लिए अपने चारों ओर IAC की उपस्थिति बढ़ाने का आदेश दिया, जिससे CIA को अस्पताल पर हवाई हमले की तैयारी करनी पड़ी। इसी दौरान एक भारतीय नर्स मारिया गुप्त रूप से इराक में भारतीय राजदूत को फोन देती है और उन्हें भारतीय और पाकिस्तानी नर्सों को बंधक बनाए जाने की जानकारी देती है। CIA ने रो प्रमुख सेनाए को बताया कि हवाई हमले का आदेश देने से पहले नर्सों को बचाने के लिए उनके पास 7 दिन हैं। अविनाश सिंह टाइगर राठौड़ और जोया हुमेमी राठौड़ अब शादीशुदा है और उनका एक बेटा जूनियर है जो इस बुक में छिपा हुआ रहता है। सेनाए और करण राव एक रो एजेंट बंधकों के बारे में टाइगर को और जोया का पता लगाते हैं और उन्हें सूचित करते हैं कि शुरुआती अनिच्छा के बावजूद जोया की जिद के बाद टाइगर मान जाता है। टाइगर रो एजेंटों की अपनी चुनिंदा टीम के साथ सीरिया जाता है। अनजान एक विशेषज्ञ स्नाइपर, नमित एक बम निरोधक विशेषज्ञ और राकेश नामक एक हैकर वे इराक की यात्रा करते हैं और खुद को IAC के प्रति भारतीय सहानुभूति रखने वाले तोयबान और उस्मान के दूसरे नंबर से कमांडर अमीर बगदावी द्वारा संचालित तेल रिफाइनरी के लिए अवैध प्रयासी श्रमिक के रूप में पेश करते हैं। टाइगर आपूर्ति इकट्ठा करने के लिए किट में पवन नाम के अपने हेल्डलर से मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगली नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय।
दोस्तों अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइगर जिंदा है मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 दिसंबर 2017 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी टाइगर जिंदा है, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया था। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अली अब्बास जफर, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.9 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 64% तक फ्रेज बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन गूगल यूजर्स की, तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 76% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 41 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान है, कैटरीना कैफ, सज्जाद डेलफ्रोजी, परेश रावल, अंगद बेदी, गिरीश कर्नाड, कुमुद मिश्रा, नवाब साहा, अनुप्रिया गोयका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। सो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को कहां पर आप इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है 2017 में एक था टाइगर की घटनाओं के 8 साल बाद एक अमेरिकी पत्रकार की इराक में आतंकवादी संगठन है IAC द्वारा हत्या कर दी गई। जब वे CIA को अपनी हालिया गतिविधियों की रिपोर्ट करने का प्रयास कर रहा था, इकरीत में एक रैली के दौरान उनके नेता अबू उस्मान को इराकी सेना ने गोली मार दी और उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जो भारतीय और पाकिस्तानी नर्सों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी काम करता है। उस्मान ने सुरक्षा के लिए अपने चारों ओर IAC की उपस्थिति बढ़ाने का आदेश दिया, जिससे CIA को अस्पताल पर हवाई हमले की तैयारी करनी पड़ी। इसी दौरान एक भारतीय नर्स मारिया गुप्त रूप से इराक में भारतीय राजदूत को फोन देती है और उन्हें भारतीय और पाकिस्तानी नर्सों को बंधक बनाए जाने की जानकारी देती है। CIA ने रो प्रमुख सेनाए को बताया कि हवाई हमले का आदेश देने से पहले नर्सों को बचाने के लिए उनके पास 7 दिन है। अविनाश सिंह टाइगर राठौड़ और जोया हुमेमी राठौड़ अब शादीशुदा है और उनका एक बेटा जूनियर है जो इस बुक में छिपा हुआ रहता है। सेनाए और करण राव एक रो एजेंट बंधकों के बारे में टाइगर को और जोया का पता लगाते हैं और उन्हें सूचित करते हैं कि शुरुआती अनिच्छा के बावजूद जोया की जिद के बाद टाइगर मान जाता है। टाइगर रो एजेंटों की अपनी चुनिंदा टीम के साथ सीरिया जाता है। अनजान एक विशेषज्ञ स्नाइपर, नमित एक बम निरोधक विशेषज्ञ और राकेश नामक एक हैकर, वे इराक की यात्रा करते हैं और खुद को IAC के प्रति भारतीय सहानुभूति रखने वाले तोयबान और उस्मान के
दूसरे नंबर से कमांडर अमीर बगदावी द्वारा संचालित तेल रिफाइनरी के लिए अवैधी प्रयासी श्रमिक के रूप में पेश करते हैं। टाइगर आपूर्ति इकट्ठा करने के लिए किट में पवन नाम के अपने हेल्डलर से मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगली नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय। दोस्तों अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइगर जिंदा है मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 दिसंबर 2017 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी टाइगर जिंदा है, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया था। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अली अब्बास जफर, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.9 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 64% तक फ्रेज बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन गूगल यूजर्स की, तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 76% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 41 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान है, कैटरीना कैफ, सज्जाद डेलफ्रोजी, परेश रावल, अंगद बेदी, गिरीश कर्नाड, कुमुद मिश्रा, नवाब साहा, अनुप्रिया गोयका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। सो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को कहां पर आप इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है 2017 में एक था टाइगर की घटनाओं के 8 साल बाद एक अमेरिकी पत्रकार की इराक में आतंकवादी संगठन IAC द्वारा हत्या कर दी गई। जब वे CIA को अपनी हालिया गतिविधियों की रिपोर्ट करने का प्रयास कर रहा था, इकरीत में एक रैली के दौरान उनके नेता अबू उस्मान को इराकी सेना ने गोली मार दी और उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जो भारतीय और पाकिस्तानी नर्सों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी काम करता है। उस्मान ने सुरक्षा के लिए अपने चारों ओर IAC की उपस्थिति बढ़ाने का आदेश दिया, जिससे CIA को अस्पताल पर हवाई हमले की तैयारी करनी पड़ी। इसी दौरान एक भारतीय नर्स मारिया गुप्त रूप से इराक में भारतीय राजदूत को फोन देती है और उन्हें भारतीय और पाकिस्तानी नर्सों को बंधक बनाए जाने की जानकारी देती है। CIA ने रो प्रमुख सेनाएं को बताया कि हवाई हमले का आदेश देने से पहले नर्सों को बचाने के लिए उनके पास 7 दिन है।
अविनाश सिंह टाइगर राठौड़ और जोया हुमेमी राठौड़ अब शादीशुदा है और उनका एक बेटा जूनियर है जो इस बुक में छिपा हुआ रहता है। सेनाए और करण राव एक रो एजेंट बंधकों के बारे में टाइगर और जोया का पता लगाते हैं और उन्हें सूचित करते हैं कि शुरुआती अनिच्छा के बावजूद जोया की जिद के बाद टाइगर मान जाता है। टाइगर रो एजेंटो की अपनी चुनिंदा टीम के साथ सीरिया जाता है। अनजान एक विशेषज्ञ स्नाइपर, नमित एक बम निरोधक विशेषज्ञ और राकेश नामक एक हैकर वे इराक की यात्रा करते हैं और खुद को आईएसी के प्रति भारतीय सहानुभूति रखने वाले तोयबान और उस्मान के दूसरे नंबर से कमांडर अमीर बगदावी द्वारा संचालित तेल रिफाइनरी के लिए अवैधी प्रयासी श्रमिक के रूप में पेश करते हैं। टाइगर आपूर्ति इकट्ठा करने के लिए किट में पवन नाम के अपने हेल्डलर से मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय। दोस्तों अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइगर जिंदा है मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 दिसंबर 2017 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी टाइगर जिंदा है, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया था। तो इस मूवी के डायरेक्टर दोस्तों अली अब्बास जफर, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 5.9 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 64% तक फ्रेज बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन गूगल यूजर्स की, तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 76% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 41 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान, कैटरीना कैफ, सज्जाद डेलफ्रोज, परेश रावल, अंगद बेदी, गिरीश कर्नाड, कुमुद मिश्रा, नवाब साहा, अनुप्रिया गोयका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। सो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को कहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है 2017 में एक था टाइगर की घटनाओं के 8 साल बाद एक अमेरिकी पत्रकार की इराक में आतंकवादी संगठन
आईएससी द्वारा हत्या कर दी गई। जब वे सीआई को अपनी हालिया गतिविधियों की रिपोर्ट करने का प्रयास कर रहा था, इकरित में एक रैली के दौरान उनके नेता अबू उस्मान को इराकी सेना ने गोली मार दी और उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जो भारतीय और पाकिस्तानी नर्सों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी काम करता है। उस्मान ने सुरक्षा के लिए अपने चारों ओर आईएससी की उपस्थिति बढ़ाने का आदेश दिया, जिससे सीआई को अस्पताल पर हवाई हमले की तैयारी करनी पड़ी। इसी दौरान एक भारतीय नर्स मारिया गुप्त रूप से इराक में भारतीय राजदूत को फोन देती है और उन्हें भारतीय और पाकिस्तानी नर्सों को बंधक बनाए जाने की जानकारी देती है। सीआई ने रो प्रमुख सेनाए को बताया कि हवाई हमले का आदेश देने से पहले नर्सों को बचाने के लिए उनके पास 7 दिन है। अविनाश सिंह टाइगर राठौड़ और जोया हुमेमी राठौड़ अब शादीशुदा है और उनका एक बेटा जूनियर है जो इस बुक में छिपा हुआ रहता है। सेनाए और करण राव एक रो एजेंट बंधकों के बारे में टाइगर को और जोया का पता लगाते हैं और उन्हें सूचित करते हैं कि शुरुआती अनिच्छा के बावजूद जोया की जिद के बाद टाइगर मान जाता है। टाइगर रो एजेंटों की अपनी चुनिंदा टीम के साथ सीरिया जाता है। अनजान एक विशेषज्ञ स्नाइपर नमित एक बम निरोधक विशेषज्ञ और राकेश नामक एक हैकर वे इराक की यात्रा करते हैं और खुद को आईएससी के प्रति भारतीय सहानुभूति रखने वाले तोयबान और उस्मान के दूसरे नंबर से कमांडर अमीर बगदावी द्वारा संचालित तेल रिफाइनरी के लिए अवैध प्रवासी श्रमिक के रूप में पेश करते हैं। टाइगर आपूर्ति इकट्ठा करने के लिए किट में पवन नाम के अपने हेल्डलर से मिलता है। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगली नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय। दोस्तों, अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइगर जिंदा है मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 22 दिसंबर 2017 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी टाइगर जिंदा है, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया था। तो इस मूवी के डायरेक्टर दोस्तों अली अब्बास जफर, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 5.9 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 64% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन गूगल यूजर्स की, तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 76% तक लाइक किया है। तो दोस्तों, आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 41 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान, कैटरीना कैफ, सज्जाद डेलफ्रोजी, परेश रावल, अंगद बेदी, गिरीश कर्नाड, कुमुद मिश्रा, नवाब साहा, अनुप्रिया गोयका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। सो दोस्तों, ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा।
आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को कहाँ पर आप इन्जॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है 2017 में एक था टाइगर की घटनाओं के 8 साल बाद एक अमेरिकी पत्रकार की इराक में आतंकवादी संगठन IAC द्वारा हत्या कर दी गई। जब वे CIA को अपनी हालिया गतिविधियों की रिपोर्ट करने का प्रयास कर रहा था, इकरित में एक रैली के दौरान उनके नेता अबू उस्मान को इराकी सेना ने गोली मार दी और उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जो भारतीय और पाकिस्तानी नर्सों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी काम करता है। उस्मान ने सुरक्षा के लिए अपने चारों ओर IAC की उपस्थिति बढ़ाने का आदेश दिया, जिससे CIA को अस्पताल पर हवाई हमले की तैयारी करनी पड़ी। इसी दौरान एक भारतीय नर्स मारिया गुप्त रूप से इराक में भारतीय राजदूत को फोन देती है और उन्हें भारतीय और पाकिस्तानी नर्सों को बंधक बनाए जाने की जानकारी देती है। CIA ने रो प्रमुख सेनाए को बताया कि हवाई हमले का आदेश देने से पहले नर्सों को बचाने के लिए उनके पास 7 दिन हैं। अविनाश सिंह टाइगर राठौड़ और जोया हुमेमी राठौड़ अब शादीशुदा है और उनका एक बेटा जूनियर है जो इस बुक में छिपा हुआ रहता है। सेनाए और करण राव एक रो एजेंट बंधकों के बारे में टाइगर को और जोया का पता लगाते हैं और उन्हें सूचित करते हैं कि शुरुआती अनिच्छा के बावजूद जोया की जिद के बाद टाइगर मान जाता है। टाइगर रो एजेंटों की अपनी चुनिंदा टीम के साथ सीरिया जाता है। अनजान एक विशेषज्ञ स्नाइपर, नमित एक बम निरोधक विशेषज्ञ और राकेश नामक एक हैकर वे इराक की यात्रा करते हैं और खुद को IAC के प्रति भारतीय सहानुभूति रखने वाले तोयबान और उस्मान के दूसरे नंबर से कमांडर अमीर बगदावी द्वारा संचालित तेल रिफाइनरी के लिए अवैध प्रयासी श्रमिक के रूप में पेश करते हैं। टाइगर आपूर्ति इकट्ठा करने के लिए किट में पवन नाम के अपने हेल्डलर से मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय। दोस्तों अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइगर जिंदा है मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 दिसंबर 2017 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी टाइगर जिंदा है, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया था। तो इस मूवी के डायरेक्टर दोस्तों अली अब्बास जफर, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 5.9 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 64% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन गूगल यूजर्स की, तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 76% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 41 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान है, कैटरीना कैफ है, सज्जाद डेलफ्रोजी, परेश रावल, अंगद बेदी, गिरीश कर्नाड, कुमुद मिश्रा, नवाब साहा, अनुप्रिया गोयका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। सो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को कहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेज़न प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को अमेज़न प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा अमेज़न प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है 2017 में एक था टाइगर की घटनाओं के 8 साल बाद एक अमेरिकी पत्रकार की इराक में आतंकवादी संगठन IAC द्वारा हत्या कर दी गई। जब वे CIA को अपनी हालिया गतिविधियों की रिपोर्ट करने का प्रयास कर रहा था, इकरीत में एक रैली के दौरान उनके नेता अबू उस्मान को इराकी सेना ने गोली मार दी और उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जो भारतीय और पाकिस्तानी नर्सों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी काम करता है। उस्मान ने सुरक्षा के लिए अपने चारों ओर IAC की उपस्थिति बढ़ाने का आदेश दिया, जिससे CIA को अस्पताल पर हवाई हमले की तैयारी करनी पड़ी। इसी दौरान एक भारतीय नर्स मारिया गुप्त रूप से इराक में भारतीय राजदूत को फोन देती है और उन्हें भारतीय और पाकिस्तानी नर्सों को बंधक बनाए जाने की जानकारी देती है। CIA ने रो प्रमुख सेनाए को बताया कि हवाई हमले का आदेश देने से पहले नर्सों को बचाने के लिए उनके पास 7 दिन है। अविनाश सिंह टाइगर राठौड़ और जोया हुमेमी राठौड़ अब शादीशुदा है और उनका एक बेटा जूनियर है जो इस बुक में छिपा हुआ रहता है। सेनाए और करण राव एक रो एजेंट बंधकों के बारे में टाइगर को और जोया का पता लगाते हैं और उन्हें सूचित करते हैं कि शुरुआती अनिच्छा के बावजूद जोया की जिद के बाद टाइगर मान जाता है। टाइगर रो एजेंटों की अपनी चुनिंदा टीम के साथ सीरिया जाता है। अनजान एक विशेषज्ञ स्नाइपर नमित एक बम निरोधक विशेषज्ञ और राकेश नामक एक हैकर वे इराक की यात्रा करते हैं और खुद को IAC के प्रति भारतीय सहानुभूति रखने वाले तोयबान और उस्मान के दूसरे नंबर से कमांडर अमीर बगदावी द्वारा संचालित तेल रिफाइनरी के लिए अवैध प्रयासी श्रमिक के रूप में पेश करते हैं। टाइगर आपूर्ति इकट्ठा करने के लिए किट में पवन नाम के अपने हेल्डलर से मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। मिलते हैं दोस्तों के लिए नहीं हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय।